सो गाइस वेलकम बैक। और गाइस आज के वाली वीडियो के अंदर मैं बनने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और ओवर पावर्ड बनने के लिए मुझे तीन इंपॉर्टेंट चीज करनी पड़ेगी। तो पहला टास्क होने वाला है एंड को फ्री करके वहां से लाइटर लेना। दूसरा टास्क है गाइस फुली नेदराइट का खतरनाक वाला आर्मर बनाना। और तीसरा लास्ट वाला टास्क होने वाला है उसके अंदर तगड़ी एन्चेंटमेंट्स लगा के उसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। तो फिर गाइस इसी बात पे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर जो लोग नए हैं भाई सब्सक्राइब बटन तो दबाना ही है यार। 500 के बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं तो दबा दो फटाफट से। ओके तो गाइस ये रहा हमारा जायंट वाला ट्री हाउस। एक बार देखो तो भाई कितना ज्यादा कूल और जायंट है यार। और ट्री हाउस का गाइस इंटीरियर भी एकदम मैंने कंप्लीट कर ही दिया है। बस कुछ चीजें हैं जो कभी कभी लगा देंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले गाइस मुझे एंडर पल की जरूरत होने वाली है तो मुझे नेदर के अंदर जाना ही होगा। लेट्स गो। ओके तो ये बेसल्ट वाली जगह पर है, लेकिन यार इससे पीछे जाने का मैंने एक रास्ता ढूंढा था जो कि यहां से जाता है। ये देखो यहां से हम लोग इस वाली जगह से बाहर निकल के वेस्ट वाली बायोम में आ जाएंगे। एंडर पल के लिए गाइस हमको पिगलिन से ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन एक सेकंड यार मैंने भाई साहब गोल्ड बिल्कुल ही लेकर ही नहीं आया यार। बट कोई ना गाइस सोने चांदी की बिल्कुल कमी नहीं है। तो यहां से देखो अपने पास इतना सारा रो गोल्ड है। अरे भाई फिका मत यार, इनको स्मेल्टिंग पर डालते हैं। ऑलराइट तो सारा गोल्ड अभी यहां से निकालता हूं जिनको मैं पिगलिन के साथ ट्रेड कर पाऊं। चलो भाई ये लो बहुत सारा पैसा है भाई। कंजूसी बिल्कुल मत करना, तुम तो बस एंडर पल दो मेरे को। आ जा भाई तू आ जा, मेरे को तेरे को ना मतलब गोल्ड देकर ही लालच देना पड़ेगा क्योंकि गाइस ये ऐसे तो बिल्कुल आने नहीं वाले भाई। आ जा आ जा आ जा। ओके तो गाइस एंडर पल तो काफी सारी हो चुकी है मगर गोल्ड इतना सारा है भाई कि इनके साथ ट्रेड करके मैं थक नहीं रहा हूँ यार। ओके तो गाइस काफी सदियों के बाद यहाँ पर मैं आया हूँ फोर्ट्रेस के अंदर। अबे यार ये लग कैसे गया? एक सेकंड भाई ये ग्लो क्यों कर रहा है? वेट फायर रेजिस्टेंस का पोर्शन है यार अपने पास, भाई ग्लो कैसे कर रहा है यार। ओके तो गाइस अब मिल चुकी है अपने को अपनी फर्स्ट वाली ब्लेज रॉड। ओके अब यहाँ से निकलते हैं यार। वैसे ही फोर्ट्रेस का रास्ता इतना अजीब क्यों है भाई? अच्छा इधर से रास्ता है भाई। ओके लेट्स गो। वेट एडवांसमेंट और एक्सपी भी बढ़ गई मेरी, 36 हो चुकी है। हो भाई फाइनली गाइस हमारे पास 18 ब्लेज रोड्स आ चुके हैं। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। ओके तो पहली आई ऑफ एंडर यहाँ से फेंकते हैं एंड देखते हैं कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड किस डायरेक्शन में। एक सेकंड भाई अपने बेस के नीचे ही तो स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं आ गया। ओके लालू भाई चलोगे घूमने? चलते हैं, आ जाओ आज स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने चलते हैं। पहले इसकी रस्सी काटो एंड लेट्स गो। इसके ऊपर बैठते हैं। अबे बिठाना भाई, तो चल मेरे घोड़े स्पीड में। ओके सो लेट्स गो। एक सेकेंड कहीं पर यहाँ पर नहीं यहाँ पर थोड़ी ना हो सकता भाई। वेट एंडर पल पीछे की तरफ गई है, इसका मतलब क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड यहीं कहीं पर है आसपास। मुझे क्या लग रहा है गाइस जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होने वाला है वो यहीं पर। ये देखो गाइस एंडर पल जमीन के अंदर घुस चुकी है। और अच्छी बात तो ये गाइस देखो हमारा बेस यहाँ से कितना ज्यादा पास है। और ये इसको क्या नशे फूक रहा है भाई, ये इसको क्या हो गया? एक सेकंड यार इसको कुछ जरा मुझे कैद करने के जाना पड़ेगा गाइस। एक सेकंड यार कंफर्म कर लेते हैं कि यहीं पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है वरना भाई पोपट हो जाए बाद में। ओके तो गाइस अभी मैं क्राइंग ऑब्सिडियन इसलिए लगा रहा हूँ ताकि गाइस मुझे बाद में पता चल जाए कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर है। ओके एंड वेट भैंस ओ भाई साहब 3 हार्ट्स पे ला दिए और 2 क्रीपर्स और आ रहे हैं यार अभी भी। भाई लगता है हार्डकोर का अंत होने वाला है यार। एक सेकंड अबे तुम्हारी बताता हूँ भाई, एरो कहाँ पर गए यार? कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ ये खा भाई, निकल तू यहाँ से। भाई साहब 3 हार्ट्स पर ला दिया और दूसरा वाला क्रीपर तो चला ही गया। भाई अंत होने वाला था आज हार्डकोर का, यही समझ लो। जल्द से जल्द गाइस टोटम का जुगाड़ करना ही पड़ेगा वरना भाई बैंड बजने वाली है हमारी। एक सेकंड ये कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने वाला है? और तेरी यार पोर्टल रूम ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है मगर पोर्टल रूम इस बार यहीं पर मिल गया। एंड डन एंड एक सेकंड व्हाट दो ही एंडर ऑफ आई कहाँ पर गई भाई? अबे यार एक्स्ट्रा एंडर पल्स सब काम आ गई। एक सेकंड यार वो एंडर पल्स भी मैंने लावा के अंदर एक क्रिस्टल को मैं एक सेकेंड में ब्लास्ट कर देता हूँ सारे के सारे। ये लो भाई एंडर ड्रैगन ना एंडर मेन्स के 150 रुपये खा चुका है। ये देखो सारे के सारे उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा और बचा है, ये ले। एक सेकंड वेट। ओके बच गया। एंड लेट्स गो गाइस। देखो काले वाले कौए का आतंक बिल्कुल खत्म हो चुका है एंड से। अब यहाँ पर ये देखो इसका मतलब गाइस हमारा पहला टास्क अभी 50% कंप्लीट हो चुका है और 50% हमको इलाइटर मिलने के बाद होगा। इससे पहले एक्सपी कलेक्ट कर लेना चाहिए यहाँ से। एंड सिटी आई एम कमिंग, लेट्स गो। और अब मुझे इलाइटर चाहिए तो सबसे पहले भाई एंड सिटी मेरे को यहीं पर चाहिए, ठीक है? एक भी एंड सिटी नहीं है। एक सेकंड भाई दो एंड गेटवे, देखो एक यहाँ पर है एंड उसी के साथ एक पीछे भी है। एंड सिटी तो मिल गई लेकिन गाइस इसके अंदर एंड शिप है ना बिल्कुल भी नहीं है। शलगार के पंगे मैं स्टार्टिंग में लूंगा ही नहीं भाई, मैं एकदम निकल जाऊंगा सीधे ऊपर की तरफ। हमारी पहली वाली चेस्ट के अंदर क्या है भाई? डायमंड का हेलमेट एंड डायमंड की सॉर्ड, वो भी इंचेंटेड। अब यार ये सॉर्ड को कहाँ पर रखूँ? एक तो इन्वेंट्री इतनी भरा चुकी है ना यार। भाई साहब 4-5 एंड सिटीज है। देखो एक तो मैं जिसपे खड़ा हूँ, एक सामने, एक ये यहाँ पर एंड एक पीछे भी है। अब रेंडर डिस्टेंस मेरे को पहले से ही फुल पे रखना था भाई, नहीं तो अब तक कभी ये मिल जाती।
एक सेकेंड यार, एंडर चेस्ट भी तो होती है, इसके अंदर सारे आइटम्स डाल देता हूँ मैं यहाँ से। लेट्स गो गाइस, सामने एंड शिप है एंड बूम गाइस, आ चुका हूँ मैं इस वाले शिप पर। अब फटाफट से भाई साहब, क्या ही डायमंड के बूट्स हैं ये देखो, इसके अंदर क्या ही खतरनाक वाली इंचेंटमेंट्स लगी हुई हैं। एंड फाइनली गाइस, हमारा इलाइट्रा हमको मिल चुका है। एक सेकेंड, भाई इन्वेंट्री फुल है यार, कहाँ से मिलेगा। तो चलो गाइस, अब मेरे भी पंख लग चुके हैं आसमान में उड़ने के लिए। सेकंड गाइस, ये देखो सिर्फ एक एंड सिटी की लूट है ये इतनी सारी। भाई साहब, दूसरा वाला एंड शिप भी इसके आसपास ही था और मैंने सोचा कि भाई दो इलाइट्रास मिल रहे हैं तो क्यों ना ले लें। एंड एक सेकंड, तो इसी के साथ गाइस पहले वाला टास्क कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले टास्क की तरफ, जो कि नेदरराइट का फुली आर्मर बनाना। लेट्स गो गाइस, फायर रॉकेट्स और टीएनटीज के लिए यहां से मैंने थोड़ा सा गन पाउडर ले लेता हूं, बट यार स्पेस पूरा का पूरा फिल है। ओके, तो दो शल्कर बॉक्सेस अभी मैंने बना लिए ताकि यार अपने काम आएंगे बाद में। ओके, सर थोड़ी सी एक्सपी मिली है तो इसको खर्च करने के लिए गाइस मैं इंचेंट कर रहा हूँ। एक सेकंड, क्या है, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 3। ओके, दूसरी वाली ट्राई, एंड इसके अंदर प्रोटेक्शन 3 मिला यार। अब मैं कुछ बुक्स से इंचेंट करता हूँ। एक सेकंड, लॉयल्टी 2, वेट चलो लॉयल्टी 2 ले लेते हैं। और तो इस वाली स्वॉर्ड का नाम गाइस मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया, इसलिए मैंने इसका नाम सिर्फ लॉल रख दिया। ओके, वो भी ओवर पावर बन चुकी है। ओके, तो गाइस ढेर सारा गन पाउडर अब हमको चाहिए क्योंकि हमको टीएनटी बनाना होगा, जो कि भाई काफी सारा है यार, यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ है क्योंकि लास्ट वाली वीडियो के अंदर भाई मैं बहुत देर तक एएफके हुआ था। एक सेकंड यार, ये सेंड यहाँ से निकालने में कितना ज्यादा मजा आ रहा है। ओ भाई, कितने सारे टीएनटी बनने वाले हैं इससे। एक सेकंड, एक स्टेक टीएनटी बन चुका है अभी, तो फिलहाल और बना सकता हूं मैं एक। तो दो स्टेक टीएनटीज यहां पर फाइनली मेरे पास आ गए हैं। चलो भाई, अब चलते हैं धूम धड़ाका करने नेदर के अंदर। लेट्स गो, चलते हैं। एक सेकंड, उतरी वो भाई 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 भाई, अबे भाई बच गया यार। इतनी आसानी से यार, लाइक बस मैं भाई स्ट्रेट लाइन ही माइन कर रहा था ताकि मैं टीएनटीज को प्लेस कर सकूं, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा एंशिएंट डेब्रिस दो मिल चुके हैं। भाई साहब, किस्मत खुल गई स्टार्टिंग में। ओके गाइस, अब देखो, अब मेरे को बस यहाँ पर सिर्फ आग लगाने की देरी है। लेट्स गो बूम, एंड मैं पीछे चल जाता हूँ भाई यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है अब। ओके, कवर कर लो भाई ये पूरी जगह को। एक सेकेंड, भाई साहब ब्लास्ट कैसे नहीं हुआ यार। एक सेकेंड, निकलो भाई यहाँ से, मेरे मुंह पर ही फट जाएगा। भाई साहब, ये पिगलिन को पड़ चुकी है लगता है, अभी ये मेरे पीछे दौड़ रहा होगा मारने के लिए। मैं निकल लेता हूँ तब तक यहाँ से। एंड ये फिर से नहीं जला भाई, भाई जलो यार, अबे जल जा। ओके 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 ओके, जल गया जल गया। अरे हाँ भाई, तुम मेरे को पहले मार लो यार, टीएनटी फट रहा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी बैंड बजाने पड़ेगी, रुक जाओ। लेट्स गो। ओके, इस वाली लाइन में तो दो एंशिएंट डेब्रिस स्टार्टिंग में ही मिल चुके हैं। एंड भाई सिर्फ दो ही है यार यहाँ पे। इतने बड़े धमाके से 12 एंशिएंट डेब्रिस गाइस अभी मिल चुके हैं हमको। इस बार बहुत ज़्यादा लार्ज केव माइन करेंगे ताकि बहुत सारे। What the... वाह भाई वाह, सिर्फ दो एंशिएंट डेब्रिस और ही मिले हैं भाई, मतलब एक स्टेक टीएनटी के अंदर सिर्फ दो एंशिएंट डेब्रिस। किस्मत कतई फूटी हुई है, अब मुझे टीएनटी चाहिए होंगे। ओके, तो इस बार ना ढेर सारा गन पाउडर लेकर जाने वाला हूँ भाई। शल्कर तो फुल नहीं हो पाया। ओके, कोई बात नहीं। एंड फिलहाल चलते हैं अभी घर पे। एंड अब चलते गाइस सैंड को कलेक्ट करने के लिए सामने वाले आइलैंड पे। भाई आज मैं पूरी ये वाला आइलैंड खाली कर देने वाला हूँ, ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा होने बिल्कुल नहीं वाला। काफी सारी सैंड कलेक्ट भी कर ली है। अब चलते हैं गाइस रात्रि में अपने घर पर। चलो गाइस, दो शल्कर बॉक्स हो चुके हैं, एक के अंदर गन पाउडर है ढेर सारा, जो कि मैं अभी यहाँ से ले लेता हूँ, और इसके अंदर है सैंड जिससे कि हम लोग टीएनटी बनाने वाले हैं। चलो भाई, अब देखते गाइस कितने सारे टीएनटी इस बार बनने वाले हैं। लेट्स गो। भाई साहब, 4 स्टेक टीएनटी अभी बना लिए मैंने यहाँ पर। इस बार लगता है गाइस लक हमारा बूस्ट हो चुका है, क्योंकि ये देखो भाई, इस बार ना 13 एंशिएंट डेब्रिस मिले हैं, वो भी 2 स्टेक टीएनटीज में। अभी तो 2 स्टेक बाकी है, होप। चलो, अबे मुंह पर ही फट गया भाई साहब ये वाला टीएनटी तो। एक सेकंड भाई, इतनी बड़ी जगह में सिर्फ एक एंशिएंट डेब्री यार, भैंस की एक सिर पर ही टंगा हुआ है, इसको भी माइन कर लेता हूँ।
गाइस फाइनली अब जाकर मेरे पास हो चुके हैं पूरे के पूरे 40 एंशिएंट डेब्रीज। इसमें ना अपने सारा आर्मर भी, टूल्स भी सब कुछ बन जाने वाला है। और सारे टीएनटीज को गाइस मैंने वाई लेवल 15 पर ही ब्लास्ट किए, क्योंकि सबसे ज्यादा एंशिएंट डेब्रीज ना यहीं पर मिल रहे थे। भाई भाई साहब नेदरराइट मिल चुके हैं, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ ना अब एक नया सेट आर्मर का बनाते हैं हम लोग डायमंड्स से। और अपने पास इतने सारे डायमंड्स, यार कुछ आइडियाज दो भाई कमेंट्स में, इतने डायमंड का करूँ तो करूँ क्या। और गोल्ड की तो अपने पास कमी बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये आ चुके गाइस टोटल 9 नेदरराइट। एक सेकंड यार, थोड़ा सा लगता है गोल्ड लेना पड़ेगा मुझे वापस। पुराने वाले को उतार दिया जाए। ओके सो गाइस अब वक्त आ चुका है सारी चीजों को नेदरराइट में बदलने का। लेट्स गो। अब जाएगी चेस्ट प्लेट हमारी एंड ये लेगिंग्स। और अब ये बूट्स को जैसे ही अपग्रेड करूंगा भाई, ये खतरनाक वाली एडवांसमेंट आने वाली है। लेट्स गो। और मेरे पास 7 लेवल्स भी आ चुके हैं एक्सपी के, ये देखो। एंड गाइस क्या ही लग रहा है एकदम आर्मर पहनने के बाद एकदम। एंड ये हो चुका है गाइस हमारा पूरा का पूरा टूल्स और आर्मर का सेट कंप्लीट नेदरराइट का। और अब गाइस हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं अपने वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अभी ये आर्मर ना चमक नहीं रहा है, तो इसको भी चमकाना भी पड़ेगा। तो एक सेकंड यार, ये बो को रिपेयर कर लिया जाए। अभी मैंने इसमें पंच 2 लगा दिया है। ओके प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4 लग चुका है हमारी चेस्ट प्लेट के अंदर। और अब ये भी एकदम शाइनी शाइनी एकदम चमकने वाली हो गई है। ओके तो गाइस दूसरा वाला टास्क भी एकदम कंप्लीट होता है। अब हमको थर्ड वाला टास्क कंप्लीट करना है, जो कि होने वाली है गाइस तगड़ी वाली एन्चेंटमेंट्स लगाना अपने गोल्ड आर्मर पर। मतलब गोल्ड बनने वाला है यार अभी ये। तो चलो गाइस सबसे पहले एक सेकंड यार, ये एफओवी को पूरा फुल करते हैं। एंड लेट्स गो गाइस अब चलते हैं विलेज के अंदर, क्योंकि अभी हमको विलेजर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, समझ रहे हो ना। मतलब अबे क्रैश लैंडिंग होने से बच गई भाई, तुम्हारा भाई प्रो है यार उड़ने में। एक सेकंड भाई, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस वाले गाँव के अंदर एक भी बंदा नहीं है यार। भाई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, यहाँ पर शायद से सच में कोई भी नहीं है पूरा का पूरा। एक सेकंड, इस वाले घर के अंदर कोई है क्या? हेलो एक सेकंड यार, ये लेक्टर पड़ा हुआ है। एक सेकंड चलो भाई लेक्टर कोई उठा लेते हैं। यहाँ पर विलेजर्स नहीं है तो क्या हुआ गाइस, काम की चीज़ मिलनी चाहिए हमको बस। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस इस वाले विलेज का भी एकदम काम तमाम हो ही चुका है। एक सेकंड, अबे यार कोई तो दिख जाना प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई विलेजर तू मिल गया। एक सेकंड तू वेट यार, यहाँ पर तू नाव के अंदर बैठ यार, खड़ा क्यों है? एक सेकंड, अब भाई बैठ भी जाए, इतने प्यार से बोल रहा बैठ चुका है। ओके ओके चलो भाई मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। एंड अभी चलते हैं। एक सेकंड यार गलत जा रहा हूँ भाई, शायद से मुझे पीछे जाना है, गाड़ी को रिवर्स लेना पड़ेगा। ओके तो यहाँ से पानी डालकर हम लोग आराम से यहाँ से अब नीचे उतर सकते हैं। वेट यार एक सेकंड, मुझे पानी वापस लेकर आ जाना चाहिए भाई, बाद में काम आएगा। ओके गाइस एक सेकंड, ओए 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 भाई कहाँ जा रहा है? अबे नाव चलाना कब सीख ली? अरे ऊपर से पूरा का पूरा नीचे आ चुका है यार। अब भाई साहब ये क्या पता कैसे अब ऊपर जाने वाला है, बड़ी मुश्किल से लेकर आया था यहाँ पर। ओके यहाँ से क्या ये ऊपर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? वेट यार चलते हैं यहाँ पर। अबे बैठ जा भाई, लेट्स गो यार, नहीं चढ़ पा रहा है यार। ओके ब्रेड का लालच देने पर तो शायद से ये आ ही जाएगा। अरे भाई लेना प्लीज़ भाई, ब्रेड ले ले यार, चाय में डुबा के खाना यार मस्त। ओके फाइनली बैठ चुका है अपनी नाव में, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर चलते हैं, वरना भाई फिर कुछ कांड हो जाएगा। आराम से नीचे उतर तो ऐसे ही भाई। भाई एक सेकंड अब चलते हैं शाम। एक सेकंड भाई हम लोग नहीं जा सकते, सामने एक ब्लॉक आ चुका है। अब विलेजर से ट्रेड करना है तो भाई साहब इनको लाना ही पड़ेगा। और लाने के लिए इस बार अब मैं रेलवे स्टेशन बनाने वाला हूँ, मतलब रेल्स का यूज़ करने वाला हूँ उनको लाने के लिए। चलो भाई अब यहाँ पर, अबे बैठ जा बैठ जा बैठ जा प्लीज़ बैठ जा। अबे बैठ गया। एक सेकंड यार चल चल भाई चल चल, पीछे कहाँ देख रहे? चलो आ सामने की तरफ देख। अब इसको धक्का देकर मस्त लेकर चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। अबे नीचे कहाँ आ रहा है यार, ऊपर जाना है भाई। हाँ लहरा लहरा भाई, यू सांप बना दे सांप। एक सेकंड मैंने सांप ही बनाया भाई सामने। फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पर सिर्फ 2 विलेजर्स आए, अभी इनके भाई बंधुओं को भी लेकर आऊँगा फिलहाल के लिए। बट फिलहाल मैं अभी यहाँ से ना जितनी भी रेल से इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अब इनके ऊपर एक छत डलने वाली है इनके घर के ऊपर। ओके तो ये लो भाई ढेर सारी गाजर, ज़िंदगी भर गाजर ही खाना और एकदम खरगोश बन जाना दोनों के दोनों। तो इनसे ट्रेड करने के लिए अभी मैं फिलहाल के लिए गोल्डन एप्पल्स बना लेता हूँ बहुत सारे, क्योंकि अभी ना मैं गाइस इनको क्योर करने वाला हूँ, जिसके लिए एप्पल चाहिए मिल चुका है मुझे। सारा गोल्ड अभी स्मेल्टिंग पर डाल दिया है। एंड इसके बाद हमको चाहिए होगा पोशन, हाँ वीकनेस का पोशन। तो वीकनेस का पोशन बनाने के लिए गाइस हमको स्पाइडर आई की भी जरूरत पड़ती है, तो अपने स्पाइडर वाले फार्म पे भाई काफी सारी है यार। चलो इलाइट्रा को भी रिपेयर कर ही दिया जाए भाई, 2 फेंटम मेमरीज क्या काम आने वाले हैं। ओके तो अभी निकालते हैं गाइस ढेर सारा गोल्ड यहाँ से, भाई साहब इन्वेंट्री में स्पेस ही नहीं बचा यार। ओके तो वीकनेस के पोशन के लिए सबसे पहले गाइस हमको फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनानी पड़ती है। नॉर्मल वाली स्पाइडर आई के अंदर हमको शक्कर मिर्ची थोड़ी सी मिलानी पड़ती है, जिससे कि ये बन जाती है। कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है यार ये। ओके तो टोटल 21 गोल्डन एप्पल्स हमारे पास आ चुके हैं। एंड अभी हमको लेट्स गो गाइस, अब हम लोग रखते हैं ब्रूइंग स्टैंड के अंदर नेदर वॉल्ट को, क्योंकि वीकनेस का पोशन जो बनाना है भाई साहब सभी के अंदर है ना भाई, एक बार और चेक कर लेते हैं।
एक सेकंड भाई, एक मिस्टेक हुई, मैंने नेदर वोल्ट रख दिए गलती से, जबकि गाइस मुझे वीकनेस का पोशन बनाने के लिए फर्मेंटेड स्पाइडर आई रखनी थी यार। बट ओके गाइस, कोई बात नहीं, अब बन चुके हमारे पोशंस, एकदम रेडी हो चुके हैं, अब इनको लेकर चलते हैं अपने। और मोदी जी की योजना से थोड़े से पैसे आए तो इनका छत भी ढकवा दिया। भाई तू हट जा यार, ये कहाँ से स्पोन हो जाता है यार, हट भाई, छत ढकने दे, बेचारों को पानी चुभेगा घर में। ओके तो गाइस ज़ॉम्बी से अभी इन सबको कटवा दिए और सारे विलेजर सब ज़ॉम्बी विलेजर बन गए। अब फटाफट से मैं इनको गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ थोड़ी देर में। ये लो भाई, सारे के सारे ये ले, आजा भाई तू भी खा ले, सारे के सारे गोल्डन एप्पल खाओ भाई, फ्री के गोल्डन एप्पल्स। एक सेकंड यार, उधर भी भाई, ये दोनों यहाँ पर बेचारे फंसे हुए थे, इनको गोल्डन एप्पल ही नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटा, ये लो प्रसाद, ठीक है घर जाके खाना आराम से। ओके ओके, सो गाइस फाइनली ये क्योर हो चुके हैं। एंड इसने कौन सी जॉब ले ली भाई, इसने रेट सस्ते कर भी दिए यार। एक सेकंड यार, हाँ ये तू पहले चढ़ जा भाई लेक्टन के ऊपर। इसने कौन सी इंचेंटमेंट, मल्टी शॉट भी नहीं चाहिए भाई यार, कोई सी इंचेंटमेंट अच्छी है ही नहीं इनके पास। ओके ये वाली कौन सी, कर्स ऑफ बाइंडिंग, हाँ भाई कर्स ऑफ बाइंडिंग ही बेचो तुम लोग, मतलब मैंने घर दिया यहाँ पर रहने के लिए और ये भाई मुझे को कर्स ऑफ बाइंडिंग बेच रहे हैं। भाई साहब ट्रेड करने चला मैं, लेकिन एमरेल्ड्स तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, तो अभी यहाँ से ट्री वाले फार्म पर से थोड़े बहुत सारे वुड लेकर जाते हैं। भाई मंदिर से घूम के आने के बाद ना लक एकदम आसमान की ऊंचाइयों पर होता है, लाइक हमको पहले से ही वुड मिल गया यार वहाँ पे बिना एएफके रहे बिना। ओके लेट्स सी ये वाला विलेजर क्या दर है। अबे यार रिप्टाइड वन नहीं चाहिए। एक सेकंड, ये फ्लेचर के थोड़े से रेट कम हुए कि नहीं भाई, इनके रेट ही कम नहीं हुए यार, 14 स्टिक्स में एक एमरल्ड दे रहे हैं बताओ, और फिर भी मैं खरीद ही रहा हूँ क्योंकि भाई एमरल्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अभी से। रिप्टाइड दे रहा है तो ले ही लेते हैं यार, क्या जाता है भाई, कोई सी ओपी इंचेंटमेंट्स। एक सेकंड भाई, इसने मेंडिंग दे दी भाई साहब, इसने मेंडिंग दे दी भाई अब आने वाले हैं असली मजे। वेट अ सेकंड भाई, गोलम को देखो तो यार, सचमुच विलेजर को फ्लावर दे रहा है भाई। मैंने तो फोटो के अंदर देखा था कि गोलम्स होते हैं ऐसे, बट आज तो देख भी लिया भाई साहब, लक लग गए आज तो सही। ओके सो गाइस फाइनली इससे मेंडिंग वाली बुक लेने का टाइम आ चुका है। एंड एक सेकंड गाइस, अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा ना, फटाफट से ज्वाइन कर लो। एंड इंस्टाग्राम पर भी भाई 5K फॉलोअर्स होने वाले हैं। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पर 12 मेंडिंग्स की बुक ले ली है भाई साहब। इस वाले विलेजर ने गाइस मेंडिंग की बुक दी थी, तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा मास्टर पर अपग्रेड कर दिया, क्योंकि तुम तो जानते हो अपन बहुत दयालु हैं। एंड फाइनली गाइस, हमने नेदरराइट के आर्मर प्लस टूल्स दोनों को एकदम चमका दिया। ये देखो भाई साहब, सभी के अंदर मेंडिंग लगी हुई है। एंड गॉड आर्मर तो हम अभी नहीं बना पाए, क्योंकि गाइस वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ ऐसी किसी मजेदार वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।